सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि भाई 20,000-21,000 में हम बहुत ही हार्डकोर गेमर है, तो भाई कोई फोन बताओ। तो ये मेरे पास है पोको F1। इसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 845। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ यहाँ पर इसका गेमिंग रिव्यू। 5 गेम खेलूंगा, आप बोल सकते हो 1.5 से 2 GB वाले, और आपको बताऊंगा हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में ये कैसे परफॉर्म करता है यहाँ पर सारे गेम्स में, और क्या आपको ये फोन में हीटिंग देखने को मिलती है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स का, आई होप कि आप सारे कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पोको F1 का 4GB 64GB वाला वेरिएंट। और गेमिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको हार्डवेयर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 845, साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एड्रीनो का 630 का GPU। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दूँ, 5 गेम यहाँ पर आप जितने भी गेम देख रहे हो सभी आप बोल सकते हो 1.5 GB 2 GB के आसपास का है। सबसे पहले खेलेंगे अस्फाल्ट, मॉडर्न कॉम्बैट 5, मॉर्टल कॉम्बैट X, पबजी मोबाइल खेलेंगे, और फिर NFS नो लिमिट यहाँ पर हम खेलेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहले गेम यहाँ पर लिस्ट का, जो कि अस्फाल्ट। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सेटिंग्स जो मैं रखूँगा वो हाई ग्राफिक सेटिंग्स में हम खेलेंगे, और देखते हैं यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस मिलता है हमें अस्फाल्ट में। सो गाइस, यहाँ पर हमारा अस्फाल्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसा हमें गेम प्ले देखने को मिलता है पोको F1 में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो ग्राफिक है वो बहुत ही बढ़िया दिख रही है। साथ में अगर हम बात करते हैं सब डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले का भी जो कलर वगैरह है बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। पंची डिस्प्ले है, कलरफुल डिस्प्ले है। साथ में आप देख सकते हो जो गेम प्ले है वो स्मूथ चल रहा है काफ़ी। ये अब हम ड्रिफ्ट मार के देख लेते हैं। अगर आप अस्फाल्ट यहाँ पर खेलने के शौकीन हो तो डेफिनेटली आप ये गेम ये फोन में इंजॉय करोगे। सो गाइस, सेकेंड गेम है हमारी लिस्ट में मॉडर्न कॉम्बैट 5। आप सभी को पता होगा ये गेम के बारे में, ये भी अच्छा हाई FPS गेम है। अब देखते हैं यहाँ पर ये कैसे चलता है यहाँ पर पोको F1 में। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा पोको F1 में मॉडर्न कॉम्बैट 5 का एक्सपीरियंस। इनिशियल इंप्रेशन गुड। सो गाइस, थर्ड गेम है हमारी लिस्ट में मॉडर्न कॉम्बैट X, और ये भी आप बोल सकते हो हाई ग्राफिक्स वाला गेम्स है। साथ में इसमें भी आपको ग्राफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये भी लगभग 1.5 से 2 GB का गेम है। यहाँ पर देखते हैं हम कैसे यहाँ पर पोको F1 में ये परफॉर्म करता है। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है। अगर आप ब्लैक लेवल्स भी देखोगे साइड में यहाँ पर बैकग्राउंड में, तो आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर जो ब्लैक भी है डिस्प्ले का बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर अभी फिनिशिंग करता हूँ, और साथ में आप देख सकते हो रैपिडली टैप में यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस, अगर आप यहाँ पर मॉडर्न कॉम्बैट X खेलने के यहाँ पर शौकीन हो, तो डेफिनेटली आपको पोको F1 निराश नहीं करेगा। इसमें भी आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा।
तो गाइस ये है हमारी फोर्थ गेम यहाँ पर लिस्ट का और ये आप सभी का फेवरेट है। सबसे पहले तो मैं सेटिंग्स में जाके आपको बता देता हूँ कितना ये ग्राफिक सेटिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पर अगर अल्ट्रा HDR ये तो कोई भी फोन में नहीं चलता है, बाकी HDR तक के जा सकता है और नीचे की जो सेटिंग है वो अल्ट्रा तक के यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं पबजी यहाँ पर कैसा यहाँ पर HDR सेटिंग्स में ये डिवाइस पे चलता है। वैसे तो गाइज मैं बता दूँ आपको मैं कोई पबजी वगैरह गेम खेलता नहीं हूँ, बाकी सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि क्या इसमें आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 845 जो देखने को मिलता है और एड्रिनो का 630 का GPU है, क्या इसमें आपको पबजी में लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। सो फार सो गुड। यहाँ पर ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने कुछ ट्राई करा था, जैसे कि आप देखें यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है। पहले मुझे नहीं पता था कि ये नेट स्पीड की वजह से भी होता है, बट बाद में पता लगा कि स्पीड कम रहेगी या स्पीड एवरेज रहती है तो आपका ये थोड़ा बहुत यहाँ पर ड्रॉप्स होता है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है और ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर HDR सेटिंग्स में दिख रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पबजी में आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगेन बोलना चाहूंगा डिस्प्ले की जो क्वालिटी है मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लग रही है। यहाँ पर अगर आपको ग्राफिक बताऊं मैं आपको एक नज़दीक से, तो जैसे कि आप देख सकते हो सनलाइट आ रही है वो पूरा प्लेन पे आप यहाँ पर डिस्प्ले होते हुए देख रहे हो, और यहाँ पर अगर आप कम ग्राफिक्स में स्मूथ या बैलेंस में खेलते हो तो ये सारी ग्राफिक आपको मिस कर जाता है। बट यहाँ पर अगर आप HDR पे खेलते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो पूरा सनलाइट की यहाँ पर रेस भी आ रही है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर अगर आप पबजी खेलने के भी फ़ैन हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये फ़ोन में इंजॉय करोगे। ये गेम मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर यहाँ पर खेला था इससे पहले, तो सिर्फ आपको चेक करने के लिए भी यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी पबजी में भी आपको कोई यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल मज़े से यहाँ पर ये गेम को भी इंजॉय कर सकते हो। सो गाइस ये हमारे लिस्ट का फिफ्थ गेम NFS, आप देख सकते हो यहाँ पर पर्सनली ये भी फ़ोन मेरा ये गेम भी मेरा फेवरेट है। और यहाँ पर आप ग्राफिक्स देख सकते हो, ग्राफिक बहुत ही बढ़िया दिख रही है। और आप अगर यहाँ पर देखोगे रोड्स वगैरह पे तो जो इफेक्ट है एक एक आपको शेडो वगैरह भी देखने को मिल रहा है, ये भी हाई सेटिंग्स में मैं यहाँ पर आपको खेल के बता रहा हूँ पोको F1 में। तो गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पर अगर आप NFS यहाँ पर खेलने के शौकीन हो तो वो भी आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। पांचों गेम जितने भी मैंने आपको बताया वो सारे आप आराम से यहाँ पर ये डिवाइस में खेल सकते हो। साथ में हीटिंग इश्यूज की बात करें तो यहाँ पर लिक्विड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करा जाता है लिक्विड कूल करके। और यहाँ पर हीटिंग इश्यूज़ की बात करें तो हीटिंग तो मुझे देखने को नहीं मिल रही है, स्लाइटली वार्म लग रहा है ये इतना पोर्शन जो है इतना आप बोल सकते हो, यहाँ पर थोड़ी बहुत आप बोल सकते हो वार्मनेस देखने को मिल रही है, बाकी हॉट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। साथ में डिस्प्ले की भी बात करें तो डिस्प्ले में ये ऊपर की साइड हल्का सी वार्म देखने को मिल रहा है, हल्का सी एक फील आ रहा है, बाकी गर्म तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, अगर आप गेमर हो, कोई भी टाइप का गेमर हो, एंड्रॉइड में जितने भी गेम आते हैं और आपको खेलना है हैवी गेम हाई सेटिंग्स में खेलना पसंद करते हो, डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पर पोको F1 है। यहाँ पर जो इसका चिपसेट और GPU है बहुत ही कमाल की तरीके से यहाँ पर ये कर लेता है। आई होप कि मेरी तरफ से आपको एक गेमिंग रिव्यू पसंद आया होगा। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए।